अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, माँ लक्ष्मी सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाती रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं धन आने और धन जाने का दोनों का प्रतीक, और साथ ही हमारे जीवन में जो कुछ बदलाव आते हैं उसे भी अगर आप जानना चाहते हैं तो छिपकली की ये संकेत आपको आपके जीवन में ये बता देंगे। और साथ ही अगर छिपकली आपको दिख जाए तो उस पर ये एक चीज डालकर ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शानदार उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको उसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों लोग अक्सर घर में छिपकली को देखते हैं जो कि एक सामान्य घटना मानी जाती है। यहाँ तक कि हमें पता है कि छिपकली को एक सामान्य जीव जंतु माना गया है, लेकिन जीव जंतु और मनुष्य के बीच प्रकृति का अपना एक अलग संबंध होता है। ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे। शास्त्रों में छिपकली को एक बेहद खास जीव माना गया है। शास्त्रों में छिपकली को देखने और उससे जुड़ी कई गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसकी जानकारी अगर आपको मालूम होती है तो आप अपने जीवन में हर बुलंदियों को पा सकते हैं। शास्त्रों में विख्यात शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी खास समय पर दिखना, जमीन पर दिखना, शरीर पर रेंगना भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करता है। इसके अलावा छिपकली का शरीर के किसी खास अंग पर गिरना भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं को दर्शाता है। ये चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि दीपावली के दिन अगर छिपकली दिख जाए तो उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन छिपकली आपके ऊपर पड़ जाए तो घर में बरसों तक के लिए सुख समृद्धि आती है। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि छिपकली के एक प्रयोग के माध्यम से ही अनेकों लाभ आप पा सकते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही असरदार टोटका हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा सरल सा काम है जिसको करने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में तरक्की को पा सकते हैं और जिससे आपके जीवन की तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आपको छिपकली दिख जाए तो ये सरल टोटका करके आप अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग खोल सकते हैं। तो जब भी आपको घर में छिपकली दिख जाए तो तुरंत भगवान की मूर्ति के पास रखा सिंदूर और चावल लाइए और उसे दूर से ही छिपकली के ऊपर छिड़कते हुए जो भी आपकी कोई मनोकामना है, मुराद है, वो मन में बोलें और ऐसी कामना करें कि आपकी मुराद पूरी हो जाए। शास्त्रों में छिपकली को एक पूजनीय प्राणी माना गया है। इसके पूजन अर्चन से धन से संबंधित परेशानियां खत्म हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता। लेकिन दोस्तों छिपकली आपके जीवन में कभी भी आती है तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये उपाय आप विशेषकर किसी खास अवसर पर करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। संध्या काल जब आप पूजा कर रहे हो तो तभी आप ये उपाय कर सकते हैं, बिना वजह आप इस उपाय को ना करें। दोस्तों छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखते ही लोगों को घिन आती है। इससे डरकर लोग भागने लगते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे माता रानी तथा माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से शुभ संकेत मिलते हैं। लेकिन जब भी आप अपने घर में सफाई कर रहे हो और आपके सामने मरी हुई छिपकली आ जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों से सफाई करते हुए छिपकली या उसका कोई बच्चा मर जाए तो तुरंत उसका संस्कार कर दे या किसी जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दबा देना चाहिए। इससे आप हत्या के पाप से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज नहीं होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे जिसे आप अपने जीवन में सोच ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है और क्या करने की वजह से आपके जीवन में ऐसे संकेत बार बार आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों छिपकली को आपको मारना नहीं चाहिए। अगर गलती से छिपकली मर जाए तो उसे जमीन में गाड़ देना ही सबसे बड़ी भलाई है। इससे माता रानी तथा माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से संकेत है जिससे आप अपने जीवन में घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप खाना खा रहे हैं और आपको किसी छिपकली की आवाज सुनाई दे जाए तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में अचानक हुई धन की प्राप्ति का संकेत है, कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत है, या फिर ये आपको कोई शुभ फल मिलने का संकेत हो सकता है। और अगर आपको छिपकली का कोई समागम दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने वाला है और आपके जीवन में कोई अच्छा संकेत आपको मिलने वाला है। या कई बार ऐसा होता है कि जिसे आप ढूंढ रहे थे, या अगर आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे
और वो व्यक्ति अचानक आपके सामने आ सकता है और ऐसा ही कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में छिपकली मरी हुई दिख जाती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला है या फिर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खबर मिलने वाली है जिसका आपको पहले कोई अंदाजा ना हो। कहा जाता है कि अगर जाते हुए कहीं आप जा रहे हैं और आपके हाथ या सर पर छिपकली अचानक से गिर जाए तो निकट भविष्य में मान सम्मान मिलने का संकेत है। ये भी कहा जाता है कि घुटने पर अगर छिपकली गिर जाती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको खाना खाते समय छिपकली दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन खाना खाते समय अगर अचानक आपके पैरों में छिपकली आ जाती है तो कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। माना जाता है कि अगर आपके घर में छिपकली हो और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उसी समय अगर छिपकली आवाज करे तो इसका मतलब है कि आप जो बातें कह रही हैं वो सच होने वाली है। कहा यह भी जाता है कि माथे पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ अगर छिपकली किसी भी कीड़े पतंगे पर झपटे और आप उसे देख लेते हैं, ऐसे में अगर आप उसके बीच में आ जाते हैं तो समझ लीजिए किसी धन के आगमन के साथ ही धन का नुकसान भी होने का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो आपको इस बात को तुरंत ही समझ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने किसी कार्य हेतु जा रहे हैं और उस कार्य के लिए जैसे ही आप प्रस्थान करने वाले होते हैं, वैसे तो बहुत ही कम ऐसा होता है, लेकिन जब भी आप प्रस्थान करने वाले हों और दो छिपकली आपके सामने लड़ती हुई दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब है कि आप जिस कार्य के लिए जाएंगे तो उसमें आपको सफलता मुश्किल ही है मिलना। उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस कार्य में सफलता मिले या ना मिले, इस बात के ऊपर कभी आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके शरीर पर छिपकली गिर जाए तो उससे भी आप कई चीजों का पता लगा सकते हैं। अगर छिपकली किसी के माथे पर गिरती है तो धन लाभ होता है। अगर दाहिने कान पर गिरे तो आभूषणों की प्राप्ति होती है, जबकि बाएं कान पर गिरने से उम्र लंबी होती है। लेकिन अगर छिपकली आपके बालों में, विशेषकर महिलाओं के जैसे लंबे बाल होते हैं, तो अगर बालों में फंस जाती है या उस पर गिर जाती है तो संभल जाइए, इसमें आपको कोई बुरी खबर आने का संकेत मिलता है। दोस्तों, इसीलिए आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप अचानक अपने घर के पूजा घर में छिपकली देख लेते हैं तो वहां पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और साथ ही आपको एक दीपक माता लक्ष्मी को जलाकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वो माता लक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी ये इच्छा पूरी हो जाती है और साथ ही साथ पूजा घर में ये घटना होने से आपका हर काम बन जाता है। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको अपने सपने में छिपकली झगड़ती हुई दिखाई देती है और ऐसे सपने बार बार आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार के विवाद में आप फंसने वाले हैं और उसका पूर्व संकेत आपको मिल रहा है। दोस्तों, इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको अपने जीवन में उसी अनुरूप कार्य करने चाहिए ताकि आपको अपने कार्य में असफलता हाथ ना लगे, आपको अपने कार्य में सफलता ही हाथ लगे। दोस्तों, तो ये थे छिपकली से जुड़े शगुन शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत जिन्हें व्यक्ति समय से पहले देखकर संभल जाता है तो अपने जीवन में तरक्की कर लेता है, लेकिन जब वो संभलता नहीं है तो उसके हाथ से कुछ गलतियां होती है और उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।